वेलकम टू रिजल्ट मेकर क्लासेस। रिजल्ट मेकर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग एमएस एक्सेल 2016 के इंसर्ट टैब के बारे में जानते हैं। जिस लोगों ने होम टैब का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले होम टैब का भी वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल्स, ब्लॉक, एड इंस, चार्ट, 3D मैप टूल, स्पार्क लाइन, फिल्टर्स, लिंक, टेक्स्ट सिंबल के बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइवोट टेबल के बारे में। पाइवोट टेबल इस पूरे टेबल का एक समरी होता है। चलिए इसे हम लोग दिखाते हैं कि इस पाइवोट टेबल का यूज कैसे किया जाता है। पाइवोट टेबल पे हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोगों को सेल रेंज बता रहा है यहाँ पे, इस यहाँ से यहाँ तक सेल रेंज क्लिक है। तो हम लोग इसी डॉक्यूमेंट में पाइवोट टेबल को इंसर्ट करके देखते हैं। चलिए इस पर न्यू वर्कशीट नहीं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर डालते हैं, इसमें सेल रेंज सिलेक्ट कर देते हैं F3। और यहाँ से ये सेल रेंज देखिए A1 से लेके D10 तक है। तो यहाँ डाल देते हैं A1 D10 और यहाँ से इसको ओके करते हैं। तो देखिए एक पाइवोट टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गया। पाइवोट टेबल पे क्लिक करते हैं हम लोग। मान लिया एक सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को, तो पहले नेम के द्वारा सर्च कर रहे हैं। तो देखिए नेम आ गया। अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, उसके प्रोडक्ट आ जा रहे हैं। चलिए प्राइस देख लेते हैं या क्वांटिटी देख लेते हैं। प्राइस पे क्लिक कर देते हैं तो गौरव कुमार इतना प्राइस का, इन्होंने इतना, संगीता कुमारी सौरभ इतना की, तो इसका टोटल ग्रांड टोटल का यहाँ पे भी दिखा दिया। इसके लिए हम लोगों को सम फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये डायरेक्ट हम लोगों को करके दिखा देता है। पिवोट टेबल सिलेक्ट करते ही हम लोगों का देखिए एक एनालाइज टैब ओपन हो जाता है। एनालाइज टैब के अंतर्गत बहुत सारे फंक्शन हैं, इसको भी हम लोग चेक करके देख सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरनल चीज़ हो जाता है। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तो उस समय सभी का यूज करके दिखाएंगे कि किस प्रोजेक्ट में कौन सा यूज करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं फिर से इंसर्ट टैब के अंतर्गत। इंसर्ट टैब के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे रिकमेंडेड पिवोट टेबल है। यहाँ रिकमेंडेड है टेबल, इसका भी कोई खासा यूज नहीं है। और यहाँ टेबल है, यहाँ पे भी टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल का रेंज दिखाता है। यहाँ पे टेबल का हेडर फुटर डाल सकते हैं आप। हेडर फुटर तो हम लोग एमएस वर्ड में भी डाल सकते थे, इसमें भी डाल सकते हैं कि पेज प्रिंट होने के बाद जो दिखे हम लोगों को हेडर फुटर में क्या है, या बार बार कुछ ऐसा चीज़ें जिसे सेट नहीं करना पड़े। चलिए एग्जाम का इम्पोर्टेंट पार्ट एक इलस्ट्रेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से अराइज करता है कि इलस्ट्रेशन टैब के अंतर्गत कौन सा पार्ट नहीं आता। तो अगर आपको ये पता होगा पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, सेप, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट, ये सभी इसके क्या पार्ट हैं, इलस्ट्रेशन के पार्ट हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है स्मार्ट आर्ट जो है एमएस एक्सेल 2016 के किस टैब के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत। अगर ब्लॉक पूछ दे किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो वो आते हैं इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे गेट एड इंस है। ये लोग विकिपीडिया ऑनलाइन से एड करने के लिए यूज करते हैं जनरली। यहाँ पे अगर गेट इंस से क्लिक किए तो यहाँ माई गेट इंस पे क्लिक करके देखेंगे तो मैंने विकिपीडिया करके रखा है तो विकिपीडिया हो गया। अगर आप कुछ और करना हो तो यहाँ पे आप एड पे क्लिक कर सकते हैं। माई एड इंस जो एड किए हुए आपको यहाँ दिखेगा सेम ही चीज़ें। और यहाँ पे बिंग है, बिंग पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म का करने का है कोल्ड पिक्चर को, मतलब पिक्चर यहाँ एक कोल्ड हो जाएगा आपका। यहाँ रिकमेंडेड चार्ट है, पहले से इसमें चार्ट दिया हुआ, आप इसमें रिकमेंडेड चार्ट के अंतर्गत करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसके डाटा को क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार के चार्ट चाहिए उस पर क्लिक करके ओके करेंगे, उससे रिलेटेड एक चार्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखिए सारा चीज़ ऑलरेडी किया जा चुका है। आप यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक के देखिए एक डिज़ाइन टैब के बारे में, इसके बारे में खुल गया किस तरह का डिज़ाइन रखना चाहते हैं, ये सारे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब ये जो फॉर्मेट है ठीक है, चलिए बाहर क्लिक करते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे प्री डिफाइंड ये बार चार्ट दिया हुआ है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, ये सब भी चार्ट के प्रकार ही हैं, ये सब में भी करके देखते हैं। और एक 3D मैपिंग है, 3D मैपिंग पे भी क्लियर करेंगे तो आपको
ओपन 3D में मैप करेंगे तो मैप का एक 3D वर्जन दिखाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये फंक्शन आपके वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे अपलोड होने में टाइम लग रहा है, चलिए यहाँ पे टूर करना, चलिए क्लिक कर देता हूँ मैं इसको, एक टूर करवा के दिखाता हूँ आप लोगों को 3D मैप के बारे में। तो देखिए जैसे यहाँ पे इंडिया, इंडिया के बारे में यहाँ पे आप जूम कर दीजिए इसको पहले। 3D मैप ये क्या है, एक आपको चारों एंगल से दिखा देता है, ठीक है। तो बस ये 3D मैपिंग का यूज है। जनरली हम लोगों को एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन इससे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आप तब पर भी इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये लाइन, आप ये इसके जो डाटा है इसको आप लाइन में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और ये लाइन जो आपको दिखाना है कहाँ से कहाँ तक दिखाना है, जैसे F1 से लेके आपको यहाँ दिखाना है या F1 पे दिखाना है, जो भी है। चलिए F4 है, ओके कर दीजिए इस पर। देखिए यहाँ पे ये लाइन, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ पे टाइप में कर देते हैं F5 A17, ये बता रहा है कि दस रेफरेंस लोकेशन डाटा इज नॉट वैलिड। अच्छा, तो इस पर ये डाटा के बारे में सिर्फ दिखाएगा, यहाँ पे नाम और प्रोडक्ट सिलेक्ट है इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसको एक बार यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करके दिखाते हैं। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद दिखाते हैं, चलिए F5 यहाँ लिख देते हैं, ओके करते हैं। अभी भी नहीं दिखा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। इसमें जो है आपको एक एक पार्टिकुलराइज दिखाएगा, तो चलिए पहले हम इसका एक पार्टिकुलराइज को यहाँ सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके यहाँ लाइन पे क्लिक करते हैं। तो अब इसके बाद आपको क्लिक करेंगे तो ये डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है, ठीक है। ये किस तरह घटा बढ़ा है इसका लाइन दिखा रहा है। अब जिस तरह का लोकेशन या लाइन देना चाहते हैं इस तरह का यहाँ पे लाइन आप दे सकते हैं, ठीक। इससे भी देखिए एक डिज़ाइन टेब खुल गया है। चलिए हम लोग फिर आते हैं इंसर्ट पे, सेम उसी तरह इस डाटा को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कॉलम में देखना चाहते हैं तो कॉलम में देख सकते हैं, ओके करेंगे तो ये ग्राफ बन गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए सेम उसी तरह से आपका कॉलम है, विन है, चलिए कॉलम पे भी एक बार क्लिक करके दिखाते हैं। तो यहाँ सेल रेंज पूछ रहा है, यहाँ अगर दिखाना चाहते हैं तो ओके कर दें, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सेल रेंज लाइन, F5 कर दे रहा है, ओके कर दे रहा है। यहाँ पे देखिए आ गया, वो डॉलर का सिंबल बन जा रहा था इसलिए। इससे भी रिलेटेड देखिए ये विन लॉस है, ये विन लॉस इस तरह दिख रहा है, कॉलम इस तरह दिख रहा है। चलिए बाहर क्लिक करते हैं, फिर इंसर्ट टैब पे आके सेम विन लॉस भी है, इसके बारे में भी आप बना सकते हैं। डाटा रेंज मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो C2 से लेके C10 तक है, C2 से C10 टाइप कर दिया। और यहाँ पे इसको दिखाना कहाँ पे है, G5 में दिखाना है, तो यहाँ G5 डाल दिए, लोकेशन क्लिक किए, देखिए ये आ गया। तो इसका ये सारे क्या स्टाइल है, जिस भी स्टाइल में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। चलिए इंसर्ट टैब के अंतर्गत देखिए स्लाइस है, ये स्लाइस ऑप्शन है। अब यहाँ स्लाइस है, स्लाइस मतलब क्या होता है, टुकड़ा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे स्लाइस पे, चलिए स्लाइस का होता है टुकड़ा। ये टुकड़े के बारे में जो बातचीत किया जा रहा वही है, फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ टाइम लाइन है, तो यहाँ पे डेट इंसर्ट नहीं किया हुआ, कुछ डेट से संबंधित अगर प्रोजेक्ट वर्क करेगा तो वहाँ पे टाइम लाइन यूज होगा। और ये लिंक है, लिंक का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, हाइपर लिंक आप समझ सकते हैं कि हाइपर लिंक है। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये ऑप्शन देता है हाइपर लिंक का, प्लेस दिस डॉक्यूमेंट ईमेल, हमको एक डॉक्यूमेंट चाहिए था तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट यहाँ पे अगर आ गया, क्रिएट शीट कर सकते हैं। चलिए यहाँ क्रिएट शीट में क्लिक करते हैं और ब्राउज करके एक कोई यहाँ पे लिंक दे देते हैं, चलिए कोई यहाँ पे ये लिंक दे देता हूँ, ओके करते हैं। तो ये ऑलरेडी है, यूज क्यों हो रहा है, चलिए दूसरा देता हूँ, एडिट न्यू डॉक्यूमेंट, एडिट द डॉक्यूमेंट इज नाउ, ऑलरेडी यूज हो रहा है ये। चलिए यहाँ पे एक लिंक आया हुआ है पहले से तो इसलिए यहाँ पे मैं तो दिख रहा था। तो जैसे ही इस लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक देखिए हाइपरलिंक से एक दूसरा पेज क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ओपन हो जा रहा है।
बस हाइपरलिंक होता है एक फाइल से दूसरे फाइल को कनेक्टिविटी प्रदान करना, कि आप क्विक लिंक एक बार क्लिक करके जा सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में है, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं ड्रॉ करके, उसमें कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इसी तरह हेडर फुटर है, ऊपर नीचे लगाया जाता है हेडर फुटर। और यहाँ वर्ड आर्ट है, फॉन्ट लिखने का स्टाइल है ये। सिग्नेचर लाइन ऑब्जेक्ट इसका कोई यूटिलाइज नहीं। सैम्बल का यूज होता है इक्वेशन बनाने में, जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हो आप यहाँ पे इक्वेशन इस टाइप का बना हुआ, आप इसको इंसर्ट कर देते हो तो ये इक्वेशन यहाँ इंसर्ट हो जाता है। आप इसको मैन्युअली क्या करते हो, एडिट कर सकते हैं, आप किसी भी जगह कोई पावर यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे इसके ऑप्शन हैं और इसको इजिली आप वर्क कर सकते हैं, या नहीं तो आप चाहे तो इक्वेशन को ड्रॉ भी कर सकते हैं। जो इक्वेशन आपको नहीं मिलता है तो वहाँ पे इक्वेशन को ड्रॉ भी कर सकते हैं आप। यहाँ इंक इक्वेशन है, इंक इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमको एक्स स्क्वायर लिखना है तो यहाँ ड्रॉ कीजिए आप, आपके माउस पे कमांड होनी चाहिए तो आपके यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी इक्वेशन। और ये इक्वेशन से आप बना सकते हो कोई भी इक्वेशन, बस आपके माउस में कमांड, यहाँ पे इंसर्ट क्लिक कर देंगे तो एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया। ये आप इजीली बना सकते हैं। ये सैम्बल है, सैम्बल में भी देखते हैं, बहुत सारे सैम्बल रहते हैं, आप ये सैम्बल कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो सैम्बल आपको चाहिए वो सैम्बल यहाँ करके क्लिक इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सैम्बल और पार्टिकुलर जगह पे आ जाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि सैम्बल जो है, सैम्बल ब्लॉक जो है किस टैब के अंतर्गत आता है, तो ये इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है। देखिए एक रिव्यू में बता दे रहा हूँ आपको, जनरली इससे क्वेश्चन अगर पूछते हैं एग्जाम में तो दो तीन क्वेश्चन ही अराइज होगा, तो दो तीन क्वेश्चन अराइज होगा तो उस क्वेश्चन को पहले, चलिए जनरली इंसर्ट टैब से जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछेंगे ये टेबल सेक्शन के बारे में पूछेंगे कि पिवोट टेबल किस टैब के अंतर्गत आते हैं, तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत आते हैं। अगर ब्लॉक पूछेंगे तो टेबल्स ब्लॉक आंसर हो जाएगा। और इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, स्मार्ट आवर और स्क्रीन शॉट फंक्शन किस ब्लॉक में के अंतर्गत आते हैं, तो इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। टैब पूछेंगे तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत आएंगे। चार्ट के बारे में पूछेंगे तो चार्ट ब्लॉक जो है आते हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत। चार्ट में पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है, तो आपको वहाँ पे चार्ट का प्रकार पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तब आप उस चार्ट को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट में आप क्लिक करके देखिए, इस टाइप का चार्ट है, ये लोग डिजाइन करने के यूज करते हैं। स्पार्क लाइन है, स्लाइस और टाइमलाइन का यूज हम लोग जब टाइमर वगैरह यूज करते हैं उसी में डेट एंड टाइम उस समय यूज होता है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। क्लिक करने के बाद यूज ए टाइमलाइन फिल्टर डाटा इंटरेक्टिवली, यहाँ लिंक है, क्विक लिंक आप जो एड कर सकते हैं, हाइपर लिंक के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे माई एड इन से ये इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रदान या कुछ आउटसोर्सिंग कह सकते हैं इसे, जैसे विकिपीडिया मैंने ऐड करके रखा है तो कुछ हमें सब खोजनी रहती है तो हम यहाँ से उसको क्विक लिंक के द्वारा खोज सकते हैं। इस तरह एमएस वर्ड में भी यूज होता था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।